वॉचिंग TIO टीवी एंड दिस इज कशिश। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग पाउडर। और ये पाउडर ना कि सिर्फ आपके व्हाइटनिंग के लिए बेटर है बट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव टैन एंड पिम्पल्स एज वेल एज एक्नी डार्क स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स एनीथिंग रियली दैट मेक्स योर स्किन लुक डल। तो ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद ही इसके रिजल्ट्स देखे हैं, मैंने खुद ही इसे अप्लाई किया है। तो ये पाउडर आपको कुछ ऐसा दिखेगा एंड दिस पाउडर इज एक्चुअली मेड फ्रॉम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन योर वेरी ओन किचन। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स आप इसमें यूज करने वाले हो वो सारे होममेड है, सारे घर पे आपके इजीली मिल जाते हैं, आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भाग जाने की जरूरत नहीं है। इजी टू मेक एंड इजी टू अप्लाई है। तो हम आपको पता ही है हम टीनेजर्स के पास कहाँ टाइम होता है, हमें स्कूल जाना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है। तो इस बीच में अगर हमें कुछ भी ब्राइटनिंग चाहिए कि हमारा फेस ब्राइट लगे तो ये पाउडर सबसे बेस्ट है बिकॉज इट्स वेरी क्विक टू अप्लाई एंड की मेक्स योर स्किन लुक ब्राइट इवन लाइक विद इन लाइक सेकेंड्स। लाइक वंस यू यूज इट यू विल लिटरली सी द डिफरेंस एंड इट्स परफेक्ट फॉर लाइक पार्टीज। जब आप पार्टी से जा रहे हो पहले मतलब पार्टी के बिल्कुल पहले यू वॉन्ट दैट योर स्किन ग्लोज देन इट्स परफेक्ट फॉर यूज एंड इट्स अमेजिंग। मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ इसको बनाने की रेसिपी, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो इस पाउडर को बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही मिल जाएंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लावर, सेकंड है मसूर दाल पाउडर, थर्ड है मुलेटी का पाउडर, फोर्थ है आपका व्हीट फ्लावर और फिफ्थ है कस्तूरी हल्दी। तो याद रखें कि आप कस्तूरी हल्दी यूज़ करें क्योंकि ये हल्दी बेटर होती है आपके स्किन के लिए और ऐसा पैकेजिंग में आती है और आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम एक एक करके मिक्स कर लेंगे। राइस पाउडर, मसूर दाल का पाउडर, मुलेठी का पाउडर, व्हीट फ्लावर और लास्ट में कस्तूरी हल्दी। सारे पाउडर हमने इक्वल रेशियोज में यूज किया एक्सेप्ट द कस्तूरी हल्दी, उसको थोड़ा कम अमाउंट में यूज किया है हमने। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स किए हैं स्पून की हेल्प से ढंग से मिक्स कर लिए। पूरी तरीके से मिक्स होना चाहिए और उसके बाद हमारा पाउडर तैयार हो जाएगा। तो हमारा पाउडर रेडी हो गया है और आप इस पाउडर को 2-3 महीने तक स्टोर कर सकते हो। इसमें आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो डाल के जैसे लिक्विड फॉर्म में और अपने फेस पे लगा सकते हो। तो अब मैं इसे ऐसी ग्लास की बॉटल में सील करके रख दूंगी जिससे कि जल्दी ख़राब ना हो। और ध्यान रखिएगा कि ये पाउडर किसी भी मॉइस्चर के पास ना हो वरना ख़राब हो सकता है। अब मैंने इसे स्टोर कर दिया ऐसे जार में और इसे मैं सील टाइट कर दूंगी और हमारा पाउडर रेडी हो गया। तो इस पाउडर को मैंने जैसे आपको बताया था डिफरेंट सारी लिक्विड्स के साथ आप मिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा दूध या आप इसे टोमेटो जूस के साथ या इवन दही के साथ ले सकते हो। और एक और चीज़, आप इसे गुलाब पाउडर के साथ ही मिक्स करके लगा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप इस पाउडर को मिक्स करके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। आज मैं इस पाउडर को 2 इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करने वाली हूँ, टोमेटो जूस एंड दही। इन दोनों को मिला के मैं एक मिक्सचर बनाने वाली हूँ। इसे हमें एक कोलगेट पेस्ट जैसे होता है ना आपका कोलगेट पेस्ट, उसी की तरह कंसिस्टेंसी के तरह हमें बनाना है। ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए वरना रन कर जाएगा आपके फेस से। तो इसे प्रिटी थिक बनाना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जल्दी से लगा लिया है और इसे हमें 10 मिनट्स तक अपने फेस पे छोड़ना है और जब हम उतार रहे हों इसे स्क्रबिंग मोशन में ही
रिमूव करना है और पानी से एंड में वॉश करना है. तो इस फेस पैक के ड्राई होने के बाद मैं इसे थोड़ा मॉइस्चर दूंगी बाय एडिंग प्योर रोज वाटर एंड इससे मैं इजीली स्क्रब भी कर पाऊंगी. तो इस वजह से अब मैं इसे आसानी से स्क्रब कर पाऊंगी और इसे ऐसे उतारना है स्क्रब करते हुए. तो मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है तो मैं इसे जेंटली पैट कर लूंगी अपने फेस को ड्राई करने के लिए. आप मेरे फेस का ग्लो देख ही सकते होगे, जो मेरे फेस पहले टैनिंग थी वो सब निकल गई है और मेरी स्किन बहुत ब्राइट लग रही है. सिर्फ फेस पे नहीं बट आप अपने लेग्स पे और बॉडी पे कहीं पर भी इसे अप्लाई करो और आपका टैन जल्दी ही रिमूव हो जाएगा या आपकी स्किन लाइटर लगने लगेगी, स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी. So you should definitely try it. So ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था एक वेरी यूजफुल स्किन केयर हैक एंड टिप दैट इज अमेजिंग फॉर टीनेजर्स एंड आई पर्सनली यूज दिस प्रोडक्ट. सो आई मीन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू. और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कॉमेंट भी करिएगा कि आप कौन से होम रेमेडीज यूज़ करते हो अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए. Now don't forget to subscribe to my channel and ring that notification bell. It's very important to do that. And I'll see you in my next video. Bye.